हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीके किचन कॉर्नर। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पाव। इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बनाने वाले को ही टेस्ट करने के लिए नहीं मिले, झटपट से ख़त्म हो गए और सब खा गए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है ये। मसाला पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसी के साथ आधा टमाटर है, ये 1 प्याज है, इसमें मैंने डाल लिया है। छोटा वाला प्याज डालिए, ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लंबा प्याज भी काट सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से रफली भी चॉप कर सकते हैं। और इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं वेजिटेबल्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम मैं यूज़ करूँगी। 1 शिमला मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया है, आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 पाव का इस्तेमाल किया है, उसे हाथों से इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। छुरी से काटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी तरीके से रफली से तोड़ लीजिए। अगर आप पाव नहीं पसंद करते हैं तो इसके बजाय ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड, जो भी आपको पसंद है। किसी भी चीज़ के साथ बन जाता है और सब्ज़ियाँ भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ ये शेयर किए क्योंकि इतना टेस्टी बना था कि मैं चाहती थी कि आप सब इसे ट्राई करें और बनाएं। क्या किया था मैंने, इसमें सिर्फ 2 बड़े चम्मच तेल डालकर उसमें सबसे पहले प्याज डाल दिया था, और 1 ही मिनट के बाद मैंने इसमें टमाटर, और टमाटर के 1 मिनट बाद मैंने शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद में इसे हमें सौते कर लेना है तेल में, ज़्यादा नहीं, कच्चा पक्का सा रखना है, ट्रांसलूसेंट सा। फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम से हाई के बीच में रखिए। जब ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब हल्का फुल्का पक जाए, तब आपको इसमें मसाले डालने हैं। सीजनिंग में आप चाइनीज़ सॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल बनाई है ताकि जो घर पे चीज़ें अवेलेबल हो उससे आप इसे बना सकें। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 ही पाव थे और थोड़ा सा मसाला था, इसलिए आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने। इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी कम ही डाली है, आधा छोटा चम्मच, साथ में रेड चिली पाउडर। अगर आप ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रेड चिली कम डालिए, अगर वो कम यूज़ कर रहे हैं तो रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद हम इसमें पाव ऐड करेंगे, पर क्योंकि हमारा ये मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई है और जो पाव है वो अपने ऊपर अच्छे तरीके से मसाले को कोट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने इसमें 1 कड़छी पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मसाले को मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इसमें टूटे हुए पाव जो हैं उसे ऐड कर दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आप इसके बदले में ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इतना बढ़िया और टेस्टी लगा था। यहाँ पे थोड़ा सा केचप और सोया सॉस भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो एनहेंस होता है, बट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ऐसे भी ये बहुत बढ़िया बने थे और सबने बड़े मज़े से खाया। अनफॉर्चुनेटली मुझे खाने के लिए नहीं मिला, थोड़े कम थे, कोई बात नहीं, सिंपल रेसिपी है, फिर से बना लूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें।